ICCC, if we come the other way, कहीं देखने के लिए नील नहीं थी। मुझे याद है कि दो तीन महीने पहले नीति जी ने इनिशिएटिव लेकर देश के नॉन रिलीजियस जिसमें संगठन है पार्टियां है इन सभी पार्टियों के नेता लोगों को पटना निमंत्रित किया और रिलीजियसी ये उनको कंट्रोल करने के लिए वायरल अंतर्दृष्टि लेकर कैसे कर सकते हैं इस पर एक बहुत प्रभावशील ले लिया और इसकी आवश्यकता भी उन्होंने बताई और उसी लाइन पर वो काम करते थे। ये काम फिर से 15 दिन तक था और सडनली ये आदर जिन्हें क्या हो गया उस बाजू ने वो विचार रखा उन्होंने छोड़ दी। जो कार्यक्रम देश में लेने की आवश्यकता थी वो देश के सामने बोलते थे वो बात उन्होंने छोड़ दी और आज भाजपा के साथ बैठकर उन्होंने सरकार बनाई। आज तक इलेक्शन होने के बाद एक टर्म में 3 ईयर में किसी नेता ने दो बार अलग अलग पार्टी का नेतृत्व या इसमें सहयोग लेने का काम आज तक कभी हुआ नहीं था। नीति जी ने वो रिकॉर्ड किया वो रिजेंस के साथ थे रिजेंस को छोड़ दिया राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ रहे हुकूमत ने बाद में वो छोड़ दिया रिजेंस के साथ आज फिर जाते मुझे लगता है ICCC आज तक कभी हुई नहीं वो स्थिति उन्होंने कैसे कर एक रिकॉर्ड किया। इससे पहले हरियाणा का नाम जो देश के सामने था और वहाँ आया राम गया राम नाम की फेज जैसे पॉपुलर हुई थी अगर हरियाणा का आया राम गया राम युद्ध स्थिति है इससे भी ज़्यादा आज नीति से लेकर के देश के सामने कुछ रास्ते दिखाए आज इस बारे में कुछ बोलना ज़्यादा नहीं आवश्यक नहीं जब लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे तब समझकर सोचकर इसको कड़ा जवाब देंगे ऐसा विश्वास मुझे है। कोई तुलना नहीं होगा इतना अवसरवादी होने का जिस नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मिट जाऊंगा। एक बार तो कहा मिट जाऊंगा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, दूसरी बात कहा था मर जाऊंगा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। कोई जबान की जुबान का कोई मतलब है, कोई सिद्धांत है? दूसरी बात यह है कि जो जाति जनगणना करी और पिछड़ों की अति पिछड़ों को क्या देंगे जिसके वो नेता है, जाति जनगणना में सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ों का ही फायदा होने वाला था। अब बीजेपी करने देगी? बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है और जो आरक्षण की लिमिट इन्होंने बढ़ाई है अब आरक्षण का मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि मोदी सरकार आरक्षण के विरोध में है। सारे संस्थान बेच रही है, नौकरियां सारी प्राइवेट कर रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू है। ऐसी परिस्थिति में यह व्यक्ति जिन जिन वर्गों को रिप्रेजेंट करता है अपने निजी स्वार्थ में सबसे ज्यादा क्षति उसी को पहुंचा रहे हैं जिनके वजह से चुन के आते हैं। और पलटू राम मेरी ख्याल है कि इससे कुछ और कोई और उपाधि खोजी जानी चाहिए।
यानी इंतहा हो गई है। जिस बीजेपी ने इतना अपमानित किया, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, अपना कैंडिडेट दिया और चिराग और उसी उन्हीं चिराग पासवान से अपमानित किया, सीटें घटाई, आरसीपी सिंह को जो इनके राइट हैंड उनको तोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा, किस नैतिकता के साथ फिर वहीं पर पहुंच गए? कोई नैतिकता मेरे दुनिया में कोई उदाहरण नहीं शायद मिलेगा जिस तरह से इन्होंने अति पिछड़ों को धोखा दिया है और जिस तरह से अपमानित होकर के वहीं पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनका राजनीतिक जो चालाकी है इस बार निकल आएगी। ये चतुर चालाक छोटा दल होकर के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं तो चालाकी से व्यक्ति अपना तो भला कर सकता है लेकिन समाज का देश का भला नहीं कर सकता।